गाइस क्योंकि मार्च चल रहा था सो आई वाज सो बिजी और मुझे समय नहीं मिला सो दैट आई कुड नॉट पोस्ट अ वीडियो। बट जैसे कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब इंटरव्यू आप लोगों का सामने आ चुका है तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको कुछ जितना मेरा एक्सपीरियंस है जितना मेरी जानकारी है मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी तो ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल हैं और कहीं और से भी आप मालूम कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो चुके हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको ऑल द बेस्ट, और जो कैंडिडेट्स अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं तो उनसे मैं ये कहूँगा कि हर साल रिक्रूटमेंट आ रहा है तो आप तैयारी करते रहिए और आगे भी वैकेंसीज आएंगी। इंटरव्यू प्रोसेस में आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गाइस आपकी थ्योरिकल नॉलेज जितनी भी हो आप कितने पढ़ के आ जाएँ, लेकिन मेनली ऐसा आप इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे एक फ्रेश आप यूज़ करोगे, रेश आपकी शुरुआत हो रही है तो आपका उस नॉलेज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जब भी आप जाएंगे तो जो बैंक के सबसे एमबी सर हैं या जो बैंक के एचआरएम हेड हैं उनकी वहाँ पे टीम बैठी होगी, वो हल्द्वानी देहरादून कहीं भी हो सकती है और होपफुली शायद वो हल्द्वानी में नैनीताल देहरादून कहीं भी हो सकता है। तो आपको जाते ही सिंपल से सवाल पूछे जाएंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपने बारे में बताना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस है बात करते टाइम आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होती है। अगर आपको लगता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके लिए आप वो स्टडी करनी है वो स्टडी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ठीक है, बट इतने क्वेश्चंस एकदम से नहीं पूछे जाएंगे, दैट इज़ आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप एम टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपसे पूछे जाएंगे कि एम टी में आपको मालूम है कि क्या सैलरी है और क्या कंडीशंस आपकी रहेंगी, आपके क्या बैंक में काम हो सकते हैं। तो एमटी में आप कह सकते हैं कि हमें मतलब एक साल बाद जब हम ऑफिसर बनेंगे तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। आपको बैंक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बैंक की हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बैंक की ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, और जितनी बढ़िया जानकारी बैंक के बारे में आपको हो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, वो आपको गूगल में मिल सकती है या किसी एम्प्लॉय के थ्रू मिल सकती है, और कुछ जानकारी मैंने पहले की वीडियो में बताई है। आपको एक बिजनेसमैन की तरह आपको वहाँ पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लास्ट इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे गए थे कि आप किसी कैंडिडेट से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हम खाते खोलेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। आपको वहाँ पे एक बिजनेस मैन मेंटलिटी से रिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एट द लास्ट आपका जो वर्किंग है उस बैंक को प्रॉफिट से मतलब होता है और किस हिसाब से आप ब्रांच को बैंक को प्रॉफिट दे सकते हैं लोन्स के माध्यम से किसी और चीज़ के माध्यम से, तो आप उसके बारे में कह सकते हैं वहाँ पे कि हम रिटेल लेंडिंग पे फोकस करेंगे जिसमें आपके कार लोन होते हैं, आपके होम लोन्स होते हैं, आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, पर्सनल लोन है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है तो वहाँ पे ब्रांच प्रॉफिट में आ सकती है, कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स होते हैं गाइस। तो आपको ये बातें रखनी पड़ेंगी कि हाँ आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है। उसके बाद आपको कुछ पूछे जा सकते हैं कि आपको ये पोस्टिंग मिलेगी, आप कंफर्टेबल हो तो आपको वहाँ पे यस ही बोलना पड़ेगा, चाहे पोस्टिंग आपको बाद में कहीं भी मिलती है, और आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, एक नॉर्मल सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, वो नॉर्मल सवाल होंगे, तो उन प्रैक्टिकली उन सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ मेन वेपन दैट विल मेक अ डिफरेंस, योर कॉन्फिडेंस विल मेक अ डिफरेंस। और रही बात बेसिक, तो बेसिक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और आपके जो बेसिक बैंकिंग टर्म्स होते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी सवाल आते हैं वो आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसी टाइम जब से पूछे जाएंगे कि आप कैसे हेल्प करोगे बैंकिंग बिजनेस में, किस हिसाब से आपका रोल रहेगा, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें चाहे वो एमबीए मैनेजमेंट का आप बता सकते हैं कि मैं ब्रांच मैनेजर किस तरह से हेल्प करूंगा और वंस आई विल बिकम ब्रांच हेड और ब्रांच मैनेजर सो मेरे काम करने की ये टेक्निक रहेगी और ब्रांच को इतना प्रॉफिट दूंगा, थर्ड पार्टी बिजनेस में ज़्यादा एक्सप्लोर करूंगा, और इसके अलावा लो कॉस्ट डिपॉजिट, जैसे कि कोई आप खाते खोलते हैं तो एक होता है हाई कॉस्ट डिपॉजिट जैसे कि FDs, और लो कॉस्ट डिपॉजिट वो होता है जो आपके सेविंग और करंट अकाउंट में लिक्विडेड फॉर्म में पैसा पड़ा हुआ रहता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट मोबालाइज करूँगा सर, और मार्केटिंग में मेरा ये प्लस पॉइंट रहा है, और रिटेल लोन सेगमेंट्स में मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जोड़ूंगा क्योंकि मेरी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, और इसके अतिरिक्त जो मेरे बैंकिंग के नॉलेज के बेस पे जिस हिसाब से आप लोन में हेल्प कर सकते हैं उस हिसाब से आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में और डिपॉजिट्स में
बैंक की दूर नहीं होती है, उसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। रेस्ट आपको इतने डीपली नहीं पूछा जाएगा, आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं या कैसे भी सवाल हैं, तो आपको एक आइडिया आपको जज करेंगे कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, मैनेजमेंट स्किल्स है कि नहीं, यू कैन हैंडल द प्रेशर और नॉट। आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि आपको मालूम है कि इतना प्रेशर रहता है, ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो आपको उसको पॉजिटिवली अप्रोच करना पड़ेगा। तो आपकी पॉजिटिव अप्रोच ही वहाँ पर आपको सक्सेस दिलाएगी कि आप किस हिसाब से पॉजिटिव रूप में रिप्लाई कर रहे हैं। तो जितना मुझे अनुभव है, जितना मैंने जो इससे पहले जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनसे मेरी बात हुई है, एक कैंडिडेट था उसने इंटरव्यू दिया, वो मुझसे मिलने पहले लास्ट टाइम आया था, तो जब उसको इंटरव्यू में पूछा गया तो उससे बस यही पूछा गया कौन से कॉलेज से हैं और अपने बारे में बताइए कुछ जो भी है, और बेसिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी और बैंकिंग टर्म्स वो कम पूछे गए थे। तो इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने पर भरोसा रखिए। बेसिक बैंकिंग के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए कि एक ब्रांच के अंदर आप कैसे डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जो डिपॉजिट है, एडवांस है, कि बैंक की ब्रांच कैसे प्रॉफिट में आती है, वो आपका अवेयरनेस होनी जरूरी है। और उसके रिगार्डिंग कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव अप्रोच, स्पॉन्टेनियस आपका रिएक्शन उस टाइम, वो चीज़ें उस टाइम मैटर करती हैं। आप प्रेशर लेके चीज़ें रटे जा रहे हैं, उसका भविष्य में कभी आपको काम आ सकता है। अदर एग्जाम के लिए यहाँ पे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपका पॉजिटिव अप्रोच, आपका अपीयरेंस, दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो फोकस ऑन देम एंड हाउ डू यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ब्रांच वर्किंग फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर ब्रांच एंड इन बैंकिंग फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर बैंक एज इंडिविजुअल। सो इन क्वेश्चन के आपको तैयार रहना पड़ेगा गाइस। थैंक यू सो मच। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू कुड सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू कैन मोटिवेट मी। अगर जो बेहतर सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दे कैन लीव देयर ईमेल आईडी, आई विल सेंड देम माय कॉन्टैक्ट नंबर सो दे कैन कॉल मी एज वेल। सो वी विल गेट इन टच यू लीव योर ईमेल आईडीज एज वेल, बट सब्सक्राइब द चैनल बाय द मोर सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू सो मच।